जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन केयर 6 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, सपोर्ट करें एक दूसरे का, क्योंकि देखिए अगर आप सभी एक साथ नहीं आएंगे तो शायद आपकी आवाज दबा दी जाएगी, सीधी सी बात है। और जो भी छात्र पटना में है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जाइए पटना BACB कार्यालय में, अगर आपको दिक्कत हो रही है फॉर्म भरने को लेकर, तो क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे एकजुट होकर तो शायद आपका जो कार्य है वो फंसा का फंसा रह जाएगा। लाखों अब ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि इस फॉर्म को भर रहे हैं, और आपको बता दें कि उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका कि रजिस्ट्रेशन वाला ही पार्ट जो है गड़बड़ हो गया है। अब यहाँ पे सुधार करने को लेकर नोटिफिकेशन में तो पहले बोल दिया गया है कि सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा, जी हाँ, लेकिन यहाँ पे फॉर्म फिल और एडिट का ऑप्शन फिर क्यों दिया गया जब कोई सुधार का मौका नहीं है, तो फिर क्यों आके दिया गया? तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट को भी सुधार करने का मौका दिया जाए, ये हम आयोग से विनम्र निवेदन कर रहे हैं। दूसरा चीज, यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने का डेट एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है अभी अपनी बिहार BPSC परीक्षा को लेकर जो टीचर वाला होने वाला है उसमें व्यस्त हैं, उसमें जो है डॉक्यूमेंट को बनाना, फिर एडिट करना, अपलोड करना, और ये जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है BACB का, ये 2 से 3 दिन लग जा रहा है। आज अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो 3 दिन के बाद आपका जो है पेमेंट क्लियर हो रहा है, सक्सेस हो रहा है, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं और फिर आगे का जो कार्य है वो कर रहे हैं। एज लिमिट क्राइटेरिया को बढ़ाया जाए, चूंकि आपने खुद नोटिफिकेशन में कहा है कि जो भी एग्जाम आपका 2019 में नहीं हुआ है ना, उस एग्जाम के लिए हम लोग यहाँ पर एज क्वालिफिकेशन बढ़ाएंगे। तीसरा मांग है, चौथा मांग ये है कि ई अपियरिंग वाले छात्रों को, जी हाँ, अपियरिंग जो BEd है जो फाइनल सेमेस्टर में है उनको भी मौका दिया जाए यहाँ पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों का सिलेक्शन हो सके इस बार STET में। और आपकी सीटें जो कि आप लोग करीब 1.5 लाख वैकेंसीज की आज सुबह बात कर रहे थे, उस वैकेंसी में ये लोग सभी छात्र एलिजिबल हो सके। और पांचवा, यहाँ पर देखिए सभी लाइनें मैंने नहीं लिखी है थंबनेल पे अपने, कि जो भी मांग है, पांचवा मांग ये है कि जो भी छात्र EWS कैटेगरी से हैं या फिर जो भी कास्ट कैटेगरी से हैं उनका यहाँ पे सर्टिफिकेशन मांगा जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं मांगा जा रहा है तो किस बेस के, किस आधार पे जो है आप लोग यहाँ पे इसका रिजल्ट देंगे, कैटेगरी वाइज कैसे रिजल्ट दिया जाएगा, ये जानकारी भी आप लोग यहाँ से दीजिए। तो BACB का सिस्टम ही पूरा खराब हो रखा है। आप लोग जो है जितने भी छात्र हैं उनसे विनती कीजिए, शेयर कीजिए, ट्वीट कीजिए, या फिर अपने जितने भी शिक्षा मंत्री हैं या फिर हमारे मुख्यमंत्री, उनको टैग करके ट्वीट कीजिए, या फिर आप लोग BACB कार्यालय में जाएं, वहां पे सीधे जाके मिले और एक साथ जाएं, क्योंकि एक एक दो दो जाएंगे तो शायद आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं किया जाएगा, तो आपको एक साथ जाना होगा यहाँ पे। अच्छा, दूसरी चीज मैं एक छात्र का या और भी अपडेट देना चाहता हूँ आप लोग को, कि ऐसा भी अब हो रहा है, देखिएगा आप लोग के साथ कहीं ऐसा सिचुएशन ना आए। देखिए एक छात्रा का यहाँ पर मेरे पास सिचुएशन आया, इन्होंने कंप्लेन किया यहाँ पर मुझे कि भैया मेरे साथ ऐसा हो रहा है यहाँ पर कि मैंने अपना रजिस्ट्रेशन जो है 1 से 2 दिन पहले ही, मतलब कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो मतलब कि 10 या 11 अगस्त को इन्होंने शायद अपना ये रजिस्ट्रेशन कर दिया था। अब यहाँ पे इनको जो है फाइनल प्रिंट निकालना था, है ना, फाइनल प्रिंट निकालना था, तो ये प्रिंट निकालने जो है साइबर कैफे गई, और ये साइबर कैफे में हुआ क्या कि किसी भी वहां पे अन्य व्यक्ति का जो है फॉर्म भरा जा रहा था। अब इस फॉर्म भरने के दरमियान उनका हुआ क्या कि जो उस छात्र का माता पिता का नाम है वो प्रिंट के दौरान उन्होंने देखा कि उनके माता पिता का नाम इनके एप्लीकेशन पे चढ़ गया। अब ये जो सिस्टम हुआ यहाँ पर, ये सिस्टम कैसे खराब हुआ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो इन्होंने पहले कर दिया और रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट जो है वो तो सुधार हो नहीं रहा है, वो तो एडिट हो नहीं रहा है, तो दूसरे के माता पिता का नाम जो है इनके आखिर इसमें जो नाम है इनका जो एडमिट कार्ड है मतलब जो प्रिंट हुआ है इसमें कैसे आ गया, ये अपने आप में एक विचित्र बात हुई यहाँ पे। तो ये सिस्टम खराब चल रहा है इनका और यहाँ पर इसको सुधारने की जरूरत है। और देखिए अगर मैं बात करूँ तो 9 अगस्त से लेकर अभी तक, क्योंकि आज हो चुका है देखिए 20 अगस्त और 3 दिन के बाद यहाँ पे इसका जो है डेट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास अप्लाई करने का भी समय कम है, तो इस 9 अगस्त से लेकर अभी तक जो है पूरा का पूरा सिस्टम खराब है, फॉर्म ढंग से भरा नहीं जा रहा, कोई कोई त्रुटि हो जा रही तो उसका सुधार हो नहीं रहा है, तो सरकार को, आयोग को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और डेट एक्सटेंड करके इनके जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पे काम करवाना चाहिए पहले तो, है ना। और सभी सभी जितने भी पटना के शिक्षक गण हैं या फिर जहां से भी हैं आप लोग शिक्षक, वो प्लीज एक साथ उठकर आवाज उठिए, बनिए यहाँ पे और इन छात्रों की मदद कीजिए, ताकि जो ये छात्र हैं अपना आराम से और आसानी से फॉर्म भर सके। अब आइए दोस्तों लेकर चलते हैं यहाँ पे उस दूसरे अपडेट पे जहाँ पे छात्रों की मांग हो रही है
कि आप लोग जो है यहाँ पे हमें कैटेगरी का सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, दूसरा चीज, और यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी नहीं कैलकुलेट किया जा रहा है, तो ईडब्ल्यूएस को भी यहाँ पे ऐड किया जाए, ये अभी भी त्रुटि है आपके इस सिनारियो में। एक छात्र का यहाँ पे दिक्कत था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर भी यहाँ पे जो है चीजें खत्म की जाए, ताकि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं साइंस में, या फिर अगर मैं बात करूं आर्ट्स पेपर में, तो उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, उसको भी यहाँ पे खत्म किया जाए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, अब आगे बात करते हैं यहाँ पे कि हमें जो है फॉर्म के एडिट करने का जो है वो समय दिया जाए, क्योंकि छात्रों ने क्या है कि मेल भी कर रहे हैं, है ना, जो ईमेल आईडी दिया गया है, पर ईमेल आईडी का कोई रिप्लाई आ नहीं रहा है, यहाँ पर कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। वैसे तो ये ईडब्ल्यूएस के लिए इन्होंने मैसेज किया है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। और जो नंबर दिया गया है आपका, है ना, जो टोल फ्री नंबर दिया गया है बीएसईबी का, ये बीएसईबी का नंबर जो है ना लगता ही नहीं है, और ना ही कोई रिप्लाई आता है यहाँ से, है ना। तो ये चीज सुधार किया जाए, ताकि लोग छात्र जो है अपना त्रुटि जो दूर कर सके, है ना। और यहाँ पे जो है फोटो सिग्नेचर अपलोड तो हो रहा है, दूसरी बार अपलोड हो रहा है तो किसी और का हो जा रहा है, किसी किसी छात्र का ऐसा भी हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड में बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं उनके बारे में वीडियो बना चुका हूं, आप लोग वीडियो देखिएगा। अब यहाँ पे जो है ये ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का और कास्ट सर्टिफिकेट वाला डाउनलोड करने का जो है, अपलोड करने का जो है, वो चला गया है यहाँ से ऑप्शन, पहले था ये, अभी हटा दिया गया है इसको, तो इसको ऐड किया जाए, ताकि जो है डॉक्यूमेंट्स अपना अपलोड कर सके लोग, छात्र भी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की फॉर्म को एडिट करने का ऑप्शन दिया जाए, और ये फॉर्म कौन सा एडिट करने का ऑप्शन दिया है, तो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट, है ना, ये रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट। अगर यहाँ पे मौका मिलेगा एडिट करने का, तो छात्र जो है बहुत सारे जो है वो सुधार कर सकेंगे, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का अलग अलग प्रॉब्लम है, किसी का नाम में गलती हो गया है, किसी के फादर नेम में गलती हो गया है। एक छात्र ने मुझे मैसेज किया था कि फादर नेम का सरनेम ही यहाँ पे गलत डाल चुका है, और ये गलतियां कुछ साइबर कैफे वाले कर रहे हैं, तो कुछ जो है गलतियां ऑटोमेटिक हो जा रही हैं, ये अपने वेबसाइट से हो जा रही हैं। तो हमने आपको वो सारी डिटेल दिखाई, ठीक है। अब यहाँ पर एज क्राइटेरिया को लेकर भी बात की गई थी, आप लोगों ने एज क्राइटेरिया के लिए नोटिफिकेशन में कहा था कि जो भी एग्जाम 2019 एसटीईटी में नहीं हुआ था, उसके लिए हम लोग यहाँ पे एज क्वालिफिकेशन को लेकर भी छूट देंगे, लेकिन फॉर्म भरते समय ये एज क्वालिफिकेशन में छूट नहीं मिल रही है। तीसरी चीज यहाँ पे कि यहाँ पे जो अपियरिंग वाले छात्रों को बात कर रहे थे, कि अपियरिंग वाले छात्र जो बीएड में हैं उनको भी मौका दिया जाए, ताकि वो फॉर्म भर सके। तो क्योंकि क्या है कि ये एग्जाम इनका तो अभी होते होते समय लग जाएगा, लेकिन फिर भी ये बीएड वाले छात्र अपियर हो जाएंगे यहाँ पे, और इनको मौका मिल जाएगा इस एग्जाम को देने को लेकर, क्योंकि आगे पता नहीं कब फिर एग्जाम आएगा, फिर कब आप एसटीईटी लेंगे, फिर बीपीएससी एग्जाम लेगी, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो अपियरिंग वालों को भी मौका मिलना चाहिए, एज में छूट मिलना चाहिए, फॉर्म एडिट का जो सेक्शन है उसको ओपन कर देना चाहिए, जो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है वहां से सभी छात्र अपना सुधार कर सके। और ये जो है एग्जाम का फॉर्म भरने का जो डेट है, इसको एक्सटेंड कर दीजिए, कम से कम 20 से 25 दिन एक्सटेंड कीजिए, ताकि आराम से छात्र जो है यहाँ पे अपना फॉर्म भर सके। आप भले ही 25 दिन के बाद एग्जाम डेट भी निकाल दीजिए, है ना, एग्जाम डेट भी निकाल दीजिए, चूंकि एडमिट कार्ड का तो लिंक यहाँ पे आप लोगों ने वेबसाइट पे दे ही दिया है, तो वो भले ही चलेगा, लेकिन एग्जाम के फॉर्म को अप्लाई करने वाला जो सेक्शन है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग एडिट करने का मौका दीजिए, और डेट को एक्सटेंड कीजिए, ताकि सभी कोई जो है आसानी से ये चीजें कर सके। तो ये लगातार मैं वीडियो आप लोग के लिए इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों, ताकि आयोग पे प्रेशर बन सके, और आप लोग की जिम्मेवारी बनती है कि आप लोग जो पटना में है वो जाकर आयोग में मिले। कल सोमवार है, हो सके तो ऑफिस खुला होगा, वहां पे जाइए अपनी समस्याओं को लेकर, और जो भी बातें होती है वहां से आके प्लीज हमें बताइए, हम लोग उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाएंगे, और आपके साथ आपके खड़े हैं हम लोग, और सपोर्ट में भी रहेंगे हमेशा। कोई और आपका डाउट है तो कमेंट बंद करके बताइएगा, और जो डाउट, जैसे कि मैंने व्हाट्सएप अपना नंबर दे रखा है, अबाउट वाले सेक्शन में नंबर है, तो आप लोग जो है कॉल ना करें, आप लोग देखिए, आप लोग अपना मैसेज छोड़ दें, उसका रिप्लाई जरूर दिया जाता है, थोड़ा देर लगता है लेकिन रिप्लाई जरूर दिया जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, ये छोटी सी मांग थी इस वीडियो को लेकर, तो अगर आपका कोई मांग है तो वो भी कमेंट कीजिएगा, उसको भी हम लोग सामने रखेंगे यहाँ पे। जय हिंद।